बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट नईमा मुश्ताक साहिबा, तो आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो नईमा साहिबा, आप वकालत के शोबे से कब से वाबस्ता हैं, कुछ अपना तारुफ खुद अपनी ज़ुबानी करवाइए। अज़ुबिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं तकरीबन 10 साल से वकालत के पेशे से मुंसलिक हूँ और मैंने शादी के बाद LLB किया था। मेरे हस्बैंड शेख मुश्ताक साहब ने मुझे इस वकालत के पेशे से मुंसलिक किया। LLB करने के बाद मैं पॉलिटिकल साइंस भी किया और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के साथ ही प्रैक्टिस स्टार्ट की और अब मैं हाईकोर्ट की वकील हूँ। भी इससे पहले आपने कोई इलेक्शन कंटेस्ट किया? जी, मेरा इलेक्शन था लाहौर बार का 1819 का। मैंने फिनांस सेक्रेटरी की सीट पर इलेक्शन कंटेस्ट किया था जिसमें मुझे 1700 वोट मिले थे। आपने पंजाब बार का इलेक्शन क्यों नहीं कंटेस्ट किया अभी जो हो रहे हैं? एक्चुअली बात यह कि पंजाब बार के इलेक्शन के लिए आपकी स्टैंडिंग का 15 साल की स्टैंडिंग होना ज़रूरी है और मेरी स्टैंडिंग अभी 10 साल है, तो इसलिए ये डिसाइड हुआ कि शेख मुश्ताक साहब ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और इसलिए उन्होंने अपना इलेक्शन अनाउंस किया। आप वकला बरदरी को क्या पैगाम देना चाहेंगी इस हवाले से? जी, वकला बरदरी के लिए पैगाम नहीं है बल्कि उनके लिए रिक्वेस्ट है और कि शेख मुश्ताक मेम्बर पंजाब बार का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह आपने मुझ पर एतमाद किया है आप शेख साहब पर भी एतमाद कर सकते हैं और जिस तरह आपने मुझे सपोर्ट किया आप उनको भी सपोर्ट करें। नईमा मुश्ताक और शेख मुश्ताक दो नाम नहीं है, एक ही नाम है। मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि जिस तरह आपने मुझे इज़्ज़त दी शेख साहब को भी इसी तरह इज़्ज़त देंगे। वो एक डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, वो आपकी उम्मीद पर पूरा उतरेंगे। सीरियल नंबर 64 है और वो लाहौर सीट से कंटेस्ट कर रहे हैं। वकला बरदरी जिंदाबाद, पाकिस्तान पहले।